और इस ट्रेन हादसे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे फिलहाल क्या अपडेट? टोटल कैजुअलिटीज 233 डिक्लेयर हुई हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कोई 900 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ ने 44 लोगों को जीवित निकाला है, 71 डेड बॉडीज रिकवर की हैं, 9 टीमें हमारी वहां उपलब्ध हैं, कोई 300 रेस्क्यूअर्स और ऑडरेफ जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स है बड़ी मात्रा में वहां उपलब्ध है, काफी मेडिकल टीम्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, हर चीज वहां पर्याप्त मात्रा में है, किसी चीज की कमी नहीं है। अब ये एफर्ट है कि हम आज के दिन में आखिरी कोच तक पूरा सर्च कर पाएं और जितने लाइव विक्टिम्स उन कोचेज में ट्रैप्ड हैं उनको ठीक से निकाल पाएं। जी सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है तो तकरीबन 15 से 17 बोगियां बताया जा रहा है जो अफेक्टेड है और मैंगल्ड भी हैं, ऐसे में एनडीआरएफ के लिए क्या चैलेंजेस हैं? काफी मोमेंटम से ये कोलिजन हुआ है तो उसमें जो क्रशिंग है और मैंगलिंग ऑफ द मेटल है काफी सीवियर है, तो उसको काट के जाना अंदर और उसके बावजूद ध्यान रखना कि कोई लाइव विक्टिम अंदर दबा हो, उसको कोई नुकसान हमारी कटिंग इंस्ट्रूमेंट से या ब्रीचिंग इंस्ट्रूमेंट से इन सब से ना हो, तो उसके लिए हमको ध्यान से काम करना पड़ता है। तो ये एक यूनिक इंसिडेंट, जैसा आपने कहा, बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट है और इसके लिए लेकिन हमारी तैयारी रहती है। हम साल भर रेलवेज के साथ में मॉक ड्रिल्स करते हैं ऐसी सिचुएशंस के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जितने लोगों को बचाना मुमकिन होगा उनको बचा पाएंगे। सर, कितनी आपकी टीम्स इंक्लूडिंग द कैनियन टीम्स कितनी टीम वहां पर पहुंच गई हैं और क्या और भी स्टैंड बाई में अभी टीम्स रखी गई हैं? हमारी कुल 9 टीमें तैनात हैं, वो 9 टीमें भी हमने अनुमान से अधिक रखी हैं ताकि जरूरत पड़े तो हमारे रेस्क्यूज वहां पर उपलब्ध हों बड़ी संख्या में, ज्यादा संख्या में। रिजर्व टीम्स हमारी मुंडली में है और कलकत्ता में है, उनको भी हम रवाना करने के लिए तैयार हैं। हम कॉन्स्टेंट संपर्क में रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कि आज की तारीख में जो यहाँ रेस्क्यूज वहां उपलब्ध हैं उसमें एडिशनल आपको क्या चाहिए, तो वो इमीडिएटली अवेलेबल किया जाता है। आखिरी सवाल सर, कब तक उम्मीद की जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? हमारी आशा है कि आज के दिन में हम इसको शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले पूरा कर पाएंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डीजी एनडीआरएफ जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर टीम्स को भेजा गया है, स्टैंड बाई भी रखा गया है, 9 एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है और ऐसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। आपको जरा अब एक एरियल व्यू के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। जो एक्सीडेंट स्पॉट ये आप देख रहे हैं, ये गूगल मैप की मदद से ये पूरा स्पॉट फिलहाल यहाँ पर खुला हुआ है और ये वो ट्रेन एक्सीडेंट की जगह है जहां पर फिलहाल हम मौजूद है। यहां आप बताया जा रहा है कि 5 जो है वो पटरियां हैं जिस पर ये जो ट्रेन है वो डिरेल हुई है, जिसमें 3 पटरियों में ये डिरेल हुई है। अब यहां देखेंगे बाजार से यहां की दूरी और ये तकरीबन इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो 300 मीटर की ये पूरी जगह है जहां पर आपकी ये तस्वीरें फिलहाल दिखा रही है। तो यहां पर 6:55 के लगभग, यानी कि ये जो प्रॉपर आपको जगह दिख रही है, ये 7:05 कम थे इस वक्त यहां पर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें जो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि आप स्क्रीन पर भी देखते जा रहे हैं, लेकिन ये गूगल आपके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश यहां पर करूं तो ये ट्रेन एक्सीडेंट की प्रॉपर जगह है जहां ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। यहां पर 5 पटरियां बताई जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5 पटरियां ये रही और 3 ट्रेन की बात की जा रही है, 2 एक्सप्रेस ट्रेन जो कि कारोमंडल जो एक्सप्रेस है वो और बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस, वो दोनों ट्रेनें डिरेल हुई। इसके साथ साथ एक गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी की भी बात की जा रही है। तो ये एक वो प्रॉपर स्पॉट है। देखिए बाजार, ये रेलवे स्टेशन, यहां पर जो भी दुर्घटना हुई इसकी सबसे पहले जानकारी जो है वो स्टेशन मास्टर को दी गई, जिसके बाद बताया जा रहा है 6:55 के हादसे पे 7:20 पर सबसे पहले यहां पर टीम पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी ये जो पूरी जगह है यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माना जा रहा है कि पूरी तरीके से जो कोचेस हैं, जो बोगिया है, वो मैंगल्ड हो गई है, एक दूसरे में घुस गई है। ऐसे में एक एक शख्स को निकालना फिलहाल चैलेंज बना हुआ है। ग्लास कटर्स की मदद से जो ट्रेन की बोगिया है उनको काट कर जो लोग उसके अंदर फंसे हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और उम्मीद एनडीआरएफ की तरफ से यह जताई जा रही है कि आज शाम अंधेरा होने से पहले ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।